हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे ब्लू मार्वल और सेंड्री के रूमर के बारे में, और साथ ही हम बात करेंगे काशिंग रूमर के बारे में भी। तो मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं एमसीयू मास्टर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली मुझे रूमर ये मिला है कि ब्लू मार्वल और सेंड्री हमें दिखाई देंगे एमसीयू के फ्यूचर में, और अगर मैं एक रफ गैस करूँ तो मेरे हिसाब से ब्लू मार्वल हमें दिखाई देना चाहिए कैप्टन मार्वल 2 में, और सेंड्री हमें दिखना चाहिए थॉर 4 या फिर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 या फिर दी इटर्न्स के सीक्वल में, यानी कि दी इटर्न्स 2 में। और ये सिर्फ और सिर्फ मेरा एक रफ गेस था, यानी कि मेरा ओपिनियन था और कुछ नहीं था। रूमर सिर्फ इतना था कि दोनों का डेब्यूट हो सकता है एमसीयू के फ्यूचर में, यानी कि दिखाई दे सकते हैं हमें एमसीयू के फ्यूचर में। और अब बात करते हैं कास्टिंग के बारे में। तो रिसेंटली मुझे रूमर ये भी मिला है कि ब्लू मार्वल का रोल प्ले कर सकते हैं हैरी लेनिक्स, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो। और बात करूँ सेंट्री की, तो सेंट्री का रोल प्ले कर सकते हैं एमसीयू में जोश होलोवे। नाम मैंने बराबर लिया है उम्मीद है मुझे, अगर नहीं लिया हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर सकते हो। वैसे आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है कि ब्लू मार्वल और सेंट्री हमें एमसीयू के कौन सी फ्यूचर मूवी में दिख सकते हैं, और अगर दिखते हैं तो उनका रोल कौन प्ले कर सकता है एमसीयू में। आप लोगों को मैंने रूमर भी बता दिया और उसके साथ मैंने आप लोगों को कास्टिंग के बारे में भी बताया, जो कि रूमर था, मेरे मन से नहीं था। मेरे मन से जो था तो मैंने बता दिया आप लोगों को, यानी कि कौन से मूवी में दिख सकते, वो सिर्फ मेरा ओपिनियन था, वो रूमर नहीं था। तो उम्मीद है आप लोग ये इन्फो समझ गए होंगे। अभी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है। तो इस वीडियो को लाइक करो, और कोई न्यू बंदा या बंदी हो वो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूँ वैसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन चैनल को शेयर करो। एमसीयू मास्टर, मालूम है ना, नहीं मालूम है तो सुन।